भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में इस बार तकनीकी को पारदर्शिता के लिए काम में लिया जा रहा है, ताकि आंकड़ों की जोड़ तोड़ की गफलत को दूर रखा जा सके। इसी को देखते हुए इस बार एआई तकनीकी का इस्तेमाल भाजपा सदस्यता अभियान में करने जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। भाजपा सदस्यता अभियान महापर्व को मनाने की तैयारी कर रही है। इस महापर्व में भाजपा बूथ लेवल पर जाकर पार्टी के सदस्य बनाने का काम करेगी, जिसमें पार्टी के हर कार्यकर्ता को टास्क दिया जाएगा। प्रदेश लेवल से बूथ लेवल पर कार्यशालाएं आयोजित हो चुकी हैं। इधर अब कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अभियान के शुरू होने का इंतजार है। 2 सितंबर को पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सदस्यता के साथ ही ये अभियान शुरू होगा। तो वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर की सदस्यता के साथ अभियान रफ्तार पकड़ेगा और फिर सितंबर के महीने में 51,000 बूथ पर सदस्य बनाने का अभियान चलेगा। हम सबको, हमारे प्रत्येक सदस्य को जो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उनको भी पुनः नवीनीकरण होना है, उनको भी फिर से सदस्य बनना है। ये अभियान हमारे देश भर में चल रहा है, जो 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी दोनों उसका श्री गणेश करेंगे। उसके बाद में हम सब यहाँ पर अपने राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के और सभी आम सदस्य तक हम पहुँचेंगे। 2 तारीख को होगी, हमने प्रधानमंत्री जी को 2 तारीख को शाम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक मिलकर के जाकर के टीम उनको सदस्य बनाएगी और उसके बाद देश भर में इसकी शुरुआत होगी। अलग अलग प्रांतों में भी 3 तारीख को उस प्रांत के चाहे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष और कोई राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता वहाँ रहते हैं, उनको सदस्य बना के शुरुआत करेंगे। 4 और 5 तारीख को जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ जिले के पदाधिकारियों को बना करके इसकी शुरुआत का काम होगा। देश में भाजपा ने 2 चरणों में सदस्यता अभियान चलाया है। हालांकि दूसरे चरण में भाजपा ने पहले चरण से आगे अभियान को बढ़ाया, लेकिन इस बार अब भाजपा नए सिरे से सदस्य बनाने जा रही है, जिसमें 1 सितंबर को भाजपा के सदस्य का आंकड़ा 0 हो जाएगा। वहीं 2 सितंबर से नए सिरे से आंकड़ा जुड़ने लगेगा। पार्टी ने साधारण सदस्य के लिए कोई शुल्क नहीं रखा है। सदस्यता अभियान के संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने बताया है कि मिस कॉल, वेबसाइट और QR कोड के माध्यम से सदस्य बनाए जाएंगे। जहां पर नेटवर्क नहीं होगा, वहां पर फिजिकली फॉर्म भरवाकर पार्टी कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे। साथ ही बताया है कि इस बार AI तकनीकी का इस्तेमाल भी पार्टी सदस्यता अभियान में करने जा रही है। वैसे इसको पूरी सदस्यता को 3 तरह से करने का है। एक तो डिजिटली मिस कॉल के माध्यम से 8800002024 इस नंबर पर मिस कॉल करके कोई सदस्य बन सकता है। दूसरा QR कोड के माध्यम से, और तीसरा bjp.org.membership ऐसे इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के नमो ऐप के माध्यम से भी कोई व्यक्ति सदस्य बन सकता है। पूरा टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया है, जिससे कि सबका डाटा तैयार हो जाए, डाटा उसमें विधानसभा वाइज भी डाटा तैयार हो, इसको भी टेक्नोलॉजी को पूरा ध्यान करके आने वाले समय में संगठन के गांव में सबको लगा सकें। राजस्थान में भाजपा ने 51,736 बूथों पर सदस्यता अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। भाजपा का सदस्यता अभियान, और यह अभियान देश भर में 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य बनने के साथ में शुरू होगा। तो उधर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 3 सितंबर को पहले सदस्यता लेंगे और उसके बाद तमाम राजस्थान के प्रदेश बूथ लेवल पर जो अभियान है उसको पूरी तरह से सक्रियता के साथ चलाया जाएगा। लेकिन इस बार का जो सदस्यता अभियान है वो काफ़ी अनोखा और ख़ासतौर से टेक्निकली भी कहा जा सकता है, आधुनिक जो तकनीक है उसका उपयोग भी सदस्यता अभियान में किया जा रहा है, जिसमें AI जो तकनीक है उसका उपयोग फर्जी
सदस्यता या फिर डमी सदस्यता, या यूं कहे कि एक व्यक्ति की एक से अधिक सदस्यता रोकने के लिए उसका उपयोग यहां पर किया जाएगा, ताकि किसी तरह का भी मिलीभगत या धांधली जो एक सदस्यता में होती है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी बूथ पर नहीं हो। अब देखना होगा कि राजस्थान ने 1 करोड़ से अधिक जो सदस्यता का लक्ष्य लिया है वो कितना पूरा कर पाती है। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जनटीवी जयपुर।